तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी क्या है और ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इससे रिलेटेड सारे डाउट्स, और यूसीसी को क्या स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, और यूसीसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ऐसी ऐसी लीगल नॉलेज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यूसीसी को समझने से पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया में दो तरीके के लॉज होते हैं। ये दो तरीके के लॉज कौन से हैं? एक तो होते हैं पब्लिक लॉज और दूसरे हैं पर्सनल लॉज। पब्लिक लॉज इसका मतलब क्या है कि ये वो लॉज हैं जो हर एक इंडियन पे, हर एक जो सिटीज़न है, पब्लिक लॉज जो पूरी कंट्री पे सब पे लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई है, उस पे CRPC IPC के सेक्शंस लगेंगे। ये जो हैं, ये हैं पब्लिक लॉज जो कि सब पे इक्वली लगते हैं। दूसरी तरफ आते हैं पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं, लेकिन उन सब के जो तरीके हैं, मान लो डिवोर्स लेने का तरीका या शादी किस तरीके से होगी, वो सब हर एक रिलीजन में अलग हैं। तो हर रिलीजन के अपने कुछ लॉज होते हैं जो उन रिलीजन के लोग फॉलो करते हैं, उनको कहते हैं हम पर्सनल लॉज। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम एक्ट और क्रिश्चियन एक्ट, सिख मैरिज एक्ट, ये सब हैं पर्सनल लॉज जो कि इंडिया में हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। ये स्पेसिफिकली आपके रिलीजन और कास्ट वगैरह के जो पर्सनल लॉज हैं। और इसके अलावा अगर कोई किसी भी रिलीजन को नहीं मानता और कोई भी पर्सनल लॉ फॉलो नहीं करना चाहता तो उसके लिए अलग से स्पेशल एक्ट्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत वो अगर किसी भी रिलीजन के थ्रू मैरिज नहीं करना चाहता तो उसकी जो मैरिज है वो इस एक्ट के तहत करवाई जाएगी। तो हर एक रिलीजन के हिसाब से डिवोर्स, मेंटेनेंस, मैरिज, इन सब के जो रूल्स हैं, इन सब के जो लॉज हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। इनको हम कहते हैं जो हर एक, जो यूनिफॉर्म नहीं है, पूरे कंट्री में लागू नहीं होते, इनको हम कहते हैं पर्सनल लॉज। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इस टर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि पूरी कंट्री में जितने भी रिलीजन्स हैं सबके लिए एक कॉमन पर्सनल लॉ लेके आया जाए, हर एक रिलीजन का अलग अलग पर्सनल लॉ नहीं हो। तो क्या है, ये जो पर्सनल लॉज हैं वो हर एक रिलीजन के अलग अलग होने की बजाय सबको एक कॉमन, सबके लिए एक कॉमन लॉ बनाया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए और ऐसा क्यों लोग मान रहे हैं, और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ से आई? क्योंकि कुछ जो पर्सनल लॉज हैं वो बहुत ही डेरोगेटरी हैं और स्पेशली वुमेंस के लिए जो हैं वो लॉज वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 14 का उल्लंघन भी करते हैं, और उसके तहत वुमेंस के लिए इक्वालिटी, स्पेशली वुमेंस के लिए इक्वालिटी नहीं है। इसलिए ये सोचा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उसी टाइम ला सकते थे जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो चाहते थे कि पूरी कंट्री में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाए और ये जो लॉज हैं वो हर एक पर्सनल लॉ की जगह एक पर्सनल लॉ बना के पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, क्योंकि उनका मानना ये था कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनका मानना ये था कि कुछ जो रिलीजन्स हैं या कुछ जो पर्सनल लॉज हैं वो जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहे हैं और इक्वेलिटी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो चाहते थे कि फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स का मानना
था कि जो पर्सनल लॉज हैं वो इक्वलिटी नहीं ला रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, इसलिए पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन कुछ जो मेंबर्स का है मानना था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो उनके रिलीजन और उन बाकी सारे रिलीजन्स के अगेंस्ट है और कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में है, इसलिए तो क्या डिसाइड हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल डिसीजन ये हुआ, ये सबकी सहमति से डिसाइड किया गया कि एट इस स्टेज पे अभी यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन और टाइम ठीक नहीं है, स्पेशली जो कुछ माइनर कम्युनिटीज़ हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, तो अभी टाइम और सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर में जब सिचुएशन और टाइम सब कुछ ठीक होगा तो यूसीसी को लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए यूसीसी को जो है फंडामेंटल राइट्स की बजाय डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स में रखा गया। डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स में पहले और भी कुछ मैटर्स हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, उसको भी पहले जो है डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स में रखा गया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि कंट्री की डेवलपमेंट अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, तो एजुकेशन को भी डायरेक्टरी प्रिंसिपल में रखते हैं, जो कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन। लेकिन जब बाद में चल के ये हुआ कि डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको जो है डायरेक्टरी प्रिंसिपल में से निकाल के फंडामेंटल राइट्स में रख दिया गया। तो इसी तरह से इस जो मैटर को है यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी डायरेक्टरी प्रिंसिपल में रखा गया था। ये था कुछ बैकग्राउंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि हम चाहते तो उसी टाइम पे इसको ला सकते थे, लेकिन उसको उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टरी प्रिंसिपल में रखा गया। तो जब भी हम यूसीसी की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस आता है, जो कि है मोहम्मद अहमद शाह वर्सेस शाह बानो बेगम का केस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि इस केस के चलते हम एक प्रोग्रेस की तरफ, हमारी सोसाइटी बढ़ रही थी यूसीसी की तरफ, लेकिन फिर हम काफ़ी साल पीछे फिर से चले जाते हैं। शाह बानो बेगम, जिनकी शादी को 40 साल हो चुके होते हैं, और एक रेनाउंड एडवोकेट हैं जो उनके हस्बैंड, वो मोहम्मद अहमद शाह, तो वो क्या है, 40 साल शादी के होने के बाद शाह बानो बेगम को जो है ट्रिपल तलाक दे देते हैं। इसके बाद जो शाह बानो बेगम है वो केस फाइल करती हैं सीआरपी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का। उस टाइम तक मेंटेनेंस इंडिया की हर एक मैरिड वुमेन डिवोर्स के बाद फाइल कर सकती थी, हर एक वुमेन को ये राइट दिया गया था। तो इसके तहत जो है शाह बानो बेगम केस फाइल करती हैं और मेंटेनेंस की मांग करती हैं। तो इस केस में जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं वो डिसीज़न देती हैं और शाह बानो बेगम के फेवर में डिसीज़न आता है और उनको मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये केस जाता है, अपील जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो शाह बानो बेगम के फेवर में जो है डिसीज़न लेती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये पूरी कंट्री में एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। बट पूरी कंट्री में जब ये बवाल होता है तो मुस्लिम्स का कहना क्या था कि जो इंडियन जुडिशरी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉज को अटैक कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनको एलिमनी का हक नहीं है उनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज करते हुए नया लॉ लेके आती है, नया लॉ पास करती है, जो कि है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट। तो अब क्या है, मुस्लिम वुमेन्स जो हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन इस जो लॉ के अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव जो लोग हैं और जो कुछ प्रोग्रेसिव या मुस्लिम जो वुमेन्स हैं जो इन इस लॉज के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, और काफ़ी सारे लोग इस जो हैं लॉ के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो जो लॉ कमीशन है वो 2018 में नोटिफिकेशन निकालती है कि अभी इस लॉ को लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक सॉल्यूशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उसमें कहती है कि हर एक पर्सनल लॉ को हटा के एक पर्सनल लॉ लाने के बजाय इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन क्या है, कि हम
हम लॉ में जहाँ जहाँ डिफेक्ट है, जो जो प्रैक्टिसेस हमको ठीक नहीं लग रही है, सिर्फ उसको चेंज किया जाए रैदर देन कि पूरे जो है पर्सनल लॉज हर एक के चेंज किए जाएं, जो कानून की कमियां हैं उसको दूर किया जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है कि हर एक रिलीजन के लिए कंपलसरी मैरिज की रजिस्ट्रेशन कर दी जानी चाहिए और हर एक रिलीजन में मैरिज की एक स्पेसिफिक फिक्स एज कर देनी चाहिए कि उससे कम के लोग शादी नहीं कर सकते। कन्वर्जन के बाद जो बाइगेमी है उसको वॉइड कर देना चाहिए। तो ऐसे कुछ चेंजेस हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे पर्सनल लॉज को उठा के सबको चेंज किया जाए। तो इसके बजाय जो डेफिशिएंसी है लॉ की उसको चेंज किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है UCC लेके आ सकती है, तो इसका जवाब है हाँ लेके आ सकती है, क्योंकि ये जो मैटर है UCC का, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए जो है UCC गवर्नमेंट लेके आ सकती है स्टेट गवर्नमेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोवा सिविल कोड। गोवा में जो है सिविल कोड फॉलो किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की वर्डिक्ट में गोवा सिविल कोड को शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ UCC कहा था। लेकिन ये जो सिविल कोड है ये भी विदाउट डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि काफ़ी डेरोगेटरी हैं और स्पेशली वुमेन्स के लिए जो हैं वो इक्वल नहीं है। क्योंकि इसमें एक लॉ है कि अगर कोई फीमेल एडल्ट्री कमिट करती है तो जो मेल है वो उसको डिवोर्स दे सकता है, लेकिन एक वाइफ हस्बैंड को सिर्फ तब डिवोर्स दे सकती है अगर वो एडल्ट्री वो स्कैंडलस होनी चाहिए और पब्लिक में होनी चाहिए, सिर्फ तभी वो जो है डिवोर्स ले सकती है। तो सबसे मेन बात ये है कि क्या UCC एक हिंदू मुस्लिम की डिबेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। UCC का मतलब ये नहीं है कि अब जो सारे धर्मों के लोग हैं उनको सात फेरे लेके शादी करनी होगी, तो सारे जो रिलीजन्स है उन सबको डिवोर्स एक तरीके से लेना होगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं सिर्फ उसको हटाया जाए, जैसे कि हमने अनटचेबिलिटी को हटाया था। 2017 में भी एक लैंडमार्क केस आता है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। उसके बाद 2023 में PIL फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में UCC को लेके आने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो UCC लेके आए, इसके लिए जो रिलायबल गवर्नमेंट है वो है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि UCC को लेके आ सकती है। और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि UCC का लाना ज़रूरी है। तो ये सब तो था डिस्कशन कि UCC क्या है, अब ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए और इसका इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे हिसाब से इसका इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है कि पूरे कंट्री के लिए एक UCC लाने की बजाय जो डिफरेंसेस हैं, जो डेरोगेटरी लॉज हैं, उनको फिल्टर करके हर एक पर्सनल लॉ में से हटाया जाए और बाकी जो पर्सनल लॉज हैं वो हर एक रिलीजन के वैसे रखे जाएं, लेकिन उसमें जो डेरोगेटरी और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं सिर्फ उसको चेंज किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है UCC के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस के साथ।